2022 है। ये डकैती का प्रिपरेशन के लिए 399 और 402 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इसमें आर्म्स एक्ट भी है, क्योंकि इसमें एक देसी कट्टा की बरामदगी हुई है। इसमें पुलिस को संदेह हुआ था कि किसी के कोई डकैती का योजना बना रहा है, तो उसी के आधार पर जब तलाशी लिया गया, तलाशी के दरमियान मोहम्मद अजाउल, मोहम्मद गुलजार, मोहम्मद तबरेज तीनों को तलाशी लेने के बाद इनके पोसेशन से एक देसी कट्टा और 3 मोबाइल स्क्रीन टच वाला जो है, जिसमें एक ओप्पो है, एक रेडमी है और तीसरा सैमसंग है, मिला और उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाले इस पर केस दर्ज किया गया है। इनको हिरासत में लेके तीनों को भेजा जाएगा। कहाँ करने वाले ये तीनों? आलमगढ़ कुछ अच्छा बता देते हैं। अजाउल जो है वो हुसैनपुर मुजाहिदपुर का ही रहने वाला है। मोहम्मद गुलजार ये बिशनपुर आलमनगर का रहने वाला है, मधेपुरा जिला से है। तबरेज हुसैनपुर पाकिजा चौक मुजाहिदपुर का ही रहने वाला है। कोई आपराधिक कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? इनकी गिरफ्तारी हुई है उल्टा पुल के नीचे से। कोई आपराधिक हिस्ट्री भी है इसका? एक खास और इसमें है, रेलवे वेंडर पार्सल में क्या सर? नहीं, उस सामान बेचता है जो। फरवरी 2022 की घटना है। एक वृद्ध आदमी जमीन बेचकर अपना पैसा जमा करने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक गए थे। लगभग उसमें 3,70,000 रुपया था, लेकिन वहाँ समय ओवर होने के कारण उनका पैसा जमा नहीं लिया गया और बैंक के द्वारा कहा गया कि आप कल आइएगा। तो वो व्यक्ति वापस आ रहा था, जैसे ही टेम्पो से उतरा था वहाँ पर पहले से घात लगाए हुए 4 लड़के थे, जो उसमें से एक तुरंत उसके हाथ में जो बैग रखा हुआ था झोला, तो उसको छीन के भागने लगा। उसके पीछे पीछे वे जो वृद्ध व्यक्ति थे वो भी भागे, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। तब तक वो लड़का रुपया का थैला लेके निकल चुका था। ये घटना 2:30 बजे की है, लेकिन वो इसकी सूचना पुलिस को नहीं दिए और सूचना लगभग 5:30 बजे के शाम पुलिस को मिला। जैसे ही सूचना मिली, घटना का सत्यापन करने के लिए यहाँ से बबरगंज थाना से PSI को भेजा गया। तत्पश्चात मुझे सूचना दी गई थी और मैं तुरंत वहाँ घटनास्थल पर पहुँचा। रात को गिरफ्तार किया गया। इस घटना में प्रद्युमन और सुमित को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 2 लड़के और हैं जिसके लिए छापेमारी की जा रही है, उनको भी जल्दी गिरफ्तार। कहाँ का है ये प्रद्युमन और सुमित? ये दोनों यहीं के रहने वाले हैं, लोकल ही हैं, इसी थाना के अंतर्गत पड़ता है। ये थाना कांड संख्या 45/22 है, ठीक है, 392 के तहत केस दर्ज किया गया है। पैसा किसके घर से बरामद हुआ है? पैसा सुमित के घर से बरामद हुआ है, सुमित पोद्दार। और इसके साथ ही बहुत सारे सामान हैं जो पीछे दिख रहे हैं। इसमें टीवी, LED टीवी है, एक ड्रेसिंग सेट है। सब सुमित के घर से? हाँ, सब सुमित के घर से ही बरामद हुए हैं। और इनके द्वारा बताया गया है कुछ रुपया जो है और दोस्त लेके इनके भागे हैं, जो अभी हमारे गिरफ्त में नहीं है, जल्दी गिरफ्तार किया। कुल कितने लोग थे इसमें? 4 लोग थे। शादी विवाह के पर्पज से लोग लूटकांड किया क्या? सामान खंगाला बाद के और भी बादी से पूछताछ किया, आसपास के लोगों से पूछताछ किया। इसी दरमियान CCTV फुटेज से कुछ संदिग्ध लड़कों का हमको पहचान हुआ। तत्पश्चात हमने एक लड़का को संदेह के आधार पर पूछताछ किया, तो वो जब कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने और भी लोगों का नाम और 3 लड़कों का नाम बताया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने टीम अलग अलग टीम गठित करके हम लोग छापेमारी स्टार्ट किया। और इसी दरमियान एक अभियुक्त जो पकड़ा गया है उसके घर पर जब छापेमारी किया गया तो उनके घर से 1,80,600 रुपये नकद बरामद हुए। इसके अलावे उस पैसा से लूट की पैसा से जितने भी सामान खरीदे गए थे, लगभग 87,500 का सामान है, वो भी था, बिल भी था वहीं पर। सारे को हम लोगों ने विधिवत जब्त किया, जब्त करने के बाद थाने, लेकिन सुमित कुमार जो अपराधी था वो पकड़ में नहीं आया। और था फिर उसके बाद हमने कुछ और भी